हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज द यूट्यूब बॉय विद यू। एक नई लीग की शुरुआत होने जा रही है, साथ ही साथ इस नई लीग के साथ आपके पास नए ब्रांड प्राइजेस जीतने का मौका भी मिलने जा रहा है। जी हाँ, इस TNPL के दौरान आप टाटा पंच अपने घर ला सकते हो। कैसे, इस वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। TNPL 2023 की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला लाइका कोई किंग और आइडेंस जो है ट्रिपुरो के बीच में खेला जाने वाला है। बहुत ही कमाल का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम, एक तरफ विजय शंकर, दूसरी तरफ शाही किशोर, शाहरुख खान, बड़े बड़े नाम जो है इस मैच में हमें दिखाई देने वाले हैं। तो मुकाबला भी बहुत ही शानदार का होने वाला है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मुकाबले की बात। आपको बताएंगे कौन सी टीम में मुकाबला जीत सकती है, पिच रिपोर्ट, फैंसी टीम के साथ साथ बहुत सारी बातें इस मैच से रिलेटेड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा ये कि ब्रो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही असली प्रेडिक्शन आता है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है ओवरव्यू बताता हूँ, असली फाइनल वर्डिक्ट जो है वो मैच से एक डेढ़ घंटे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर वर्डिक्ट कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और जो लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहीं से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आइए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये जो मुकाबला है SNR कॉलेज स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 8 मुकाबले यहाँ पर अब तक खेले गए, 3 मैच जीते हैं, 5 मैच जिसमें 155-60 के आसपास का एवरेज स्कोर है। यहाँ की विकेट इक्वली बैटर्स को भी फेवर करती है, बॉलर्स को भी फेवर करती है। आखिरी मुकाबला जो खेला गया था उसमें यहाँ पर 208 रन चेस हुआ था, दोनों पारियों में 200 रन बने थे, बहुत सारे रन बने थे, और कभी कभी यहाँ पे 135 भी डिफेंड हो जाता है। स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट हमें देखने को मिलता है। पहली पारी में बैटिंग करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है बैटिंग आसान होने लगती है। पेसर्स भी विकेट चटकाते हैं, बट स्पिनर्स यहाँ पे ज्यादा विकेट चटकाते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला है 160-170 के आसपास का हो सकता है। बैटर्स को भी ये विकेट हेल्प करेगी, बॉलर्स को भी ये हेल्प करेगी, चेस करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हेड टू हेड बैटर्स की बात किया तो 7 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए, जिसमें से 4 जो है LK के लाइका कोई किंग की टीम जीती है, और 2 मुकाबले ITT की टीम जीती है, आइडेंट ट्रिपुर की टीम जीती है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने घर टाटा पंच इस TNPL के दौरान ला सकते हैं। जी हाँ, आपको करना कुछ नहीं है, अपने क्रिकेट के पूरे नॉलेज का स्किल का इस्तेमाल करते हुए My11 Circle पे अपनी टीम बनानी है। My11 Circle का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है। अगर वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे तुरंत, और जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे चाहे जितना भी करो आपको 1500 रुपये और साइन अप बोनस के रूप में मिल जाएंगे। और टाटा पंच जो है अपने घर लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, पूरा अपना स्किल का इस्तेमाल करो, पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करो, मैं भी आपकी मदद करूंगा इस वीडियो के दौरान, और एक टीम बनाओ, मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, और अगर आप जीतते हो तो टाटा पंच अपने घर ला सकते हो। बहुत ही शानदार मौका है, LKK और ITT की टीम आपस में भिड़ने वाली है शाम, और इस मैच की टीम तो आपको बनानी ही बनानी है। फटाफट डाउनलोड करो My11 Circle, लिंक से ही डाउनलोड करना है। आइए अब टीम प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LKK लाइका कोई किंग की। तो काफी बैलेंस टीम नजर आ रही है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी है। शाही सुदर्शन, शाहरुख खान जैसे बड़े नाम इस टीम में नजर आ रहे हैं, और दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में। शाही सुदर्शन एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले में उतरेंगे, और हमने देखा कि इस तरीके से ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। फाइनल में 96 बना है, ताबड़तोड़ 96, और बैक टू बैक अच्छी पारी IPL में खेल कर आ रहे हैं। शाही सुदर्शन बहुत खतरनाक फॉर्म है। वहीं शाहरुख खान को IPL के दौरान ज़्यादा मौके तो नहीं मिल पाए, नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने रन करके दिया, और ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, टीम को लीड करेंगे, टीम के कप्तान भी। एक और खतरनाक बल्लेबाज सुरेश कुमार इस टीम के पास है, जो कि 70-70 रन और 80-80 रन बड़ी पारियां खेलता है, सिंगल हैंडली मैच चलाने की क्षमता रखते हैं, और वैसे ही तीनों ही खिलाड़ी सिंगल हैंडली मैच चलाते हैं, सिंगल हैंडली मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, तो बल्लेबाजी काफी खतरनाक नजर आ रही है। वहीं गेंदबाजी की बात किया तो इनकी गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी है। पहले तो मणिमरन सिद्धार्थ जैसा क्वालिटी स्पिनर्स इस टीम के पास मौजूद है, जो कि विकेट पे बहुत खतरनाक गेंदबाजी कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और 3-3 विकेट, 4-4 विकेट, 5-5 विकेट इन्होंने हाल फिलहाल में लिए हैं, बहुत खतरनाक फॉर्म में है। साथ ही साथ युधिश्वरन और करण गौतम जैसे जो है दो क्वालिटी पेसर्स भी इस टीम के पास मौजूद है, जो कि लगातार विकेट छक्का रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है। उसके अलावा एम मोहम्मद भी इनके पास है, और ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो गेंदबाजी भी इनकी बहुत अच्छी नजर आ रही है, और बल्लेबाजी में भी बड़े बड़े नाम है, लेकिन बल्लेबाजी सिर्फ 3 बल्लेबाजों पर डिपेंड है, उसके अलावा कोई और बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में नहीं है।
टॉप परफॉर्मर की बात की जाए तो इनकी तरफ से पहले टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं शाहीन सुदर्शन, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है और आईपीएल में हमने देखा कि किस तरीके की बल्लेबाजी ये कर सकते हैं, किस तरीके से ये रन बना सकते हैं और इस मैच में भी टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। नंबर आईटीटी के खिलाफ बहुत अच्छे दो मैच खेले, दोनों में इन्होंने 50 जड़ी है। उसके अलावा शाहरुख खान भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और उनके भी नंबर आईटीटी के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड से लीड करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। सुरेश कुमार की पिछली 5 पारियां देखी जाए तो 75-83 बड़ी बड़ी पारी आई है और आखिरी वीक में आईटीटी के खिलाफ 53 रन इन्होंने बनाया था, तो ये भी इस मैच में टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। एम मोहम्मद दो दो विकेट लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, आईटीटी के खिलाफ फॉर्म भी अच्छा है और नंबर आईटीटी के खिलाफ अच्छे हैं, तो एम मोहम्मद भी टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। एम सिद्धार्थ 3-3 विकेट 4-4 विकेट 5-5 विकेट बहुत खतरनाक फॉर्म में ये खिलाड़ी और यहाँ के विकेट इस्तेमाल कर सकता है, ये भी इस मैच में टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आई ड्रीम्स ट्रिपुर की, तो ये टीम भी बहुत ही बैलेंस नजर आ रही है, पिछले साल की तुलना में बहुत सारे नए चेहरे भी आपको दिखाई देंगे और ये टीम पहले से भी ज्यादा अपग्रेड होकर स्ट्रांग होकर वापस आई है, बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। बैटिंग में इनके पास विजय शंकर भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आया है इस आईपीएल के दौरान और दोनों टीमों के पास गुजरात टाइटन्स के एक एक चैंपियन मौजूद है। विजय शंकर भी जो है जब जब मौका मिला है इन्होंने रन किए हैं, बहुत खतरनाक फॉर्म में है और टीएनपीएल में गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे, तो विजय शंकर पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। उसके अलावा के विशाल उपाध्याय जिनका पिछले साल बहुत ही अच्छा गया था और बहुत अच्छे फॉर्म में है, साथ ही साथ आर विवेक जैसा ऑलराउंडर इस टीम के पास मौजूद है और ये तीनों खिलाड़ी सिंगल हैंडली मैच चलाने की क्षमता रखते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, 70-70 रन 80-80 रन जो है खुद के दम पे बनाते हैं, बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। एनएस चतुर्वेदी जैसा खिलाड़ी भी इस टीम के पास मौजूद है, तो बल्लेबाजी बहुत ही खतरनाक नजर आ रही है और गेंदबाजी की बात की जाए तो आर साई किशोर जैसा क्वालिटी स्पिनर इस टीम के पास मौजूद है जो कि बहुत खतरनाक गेंदबाजी करा, 3-3 4-4 विकेट साथ ही तो बल्लेबाजी भी ये कर सकते हैं और जब भी आईटीटी की टीम सामने होती है तो ये जब भी एलकेके की टीम सामने होती है तो ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। गणेशन प्रियस्वामी भी इस टीम के पास मौजूद है, त्रिलोक नाग है, तो गेंदबाजी भी काफी मजबूत नजर आ रही है, बल्लेबाजी तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक रखे हैं विजय शंकर, के विशाल वैद्यार, विवेक और एनएस चतुर्वेदी, 4 खतरनाक बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है। टॉप ऑफ फॉर्म की बात की जाए तो इनकी तरफ से पहले टॉप ऑफ फॉर्म विजय शंकर बहुत अच्छे फॉर्म में, आईपीएल बहुत अच्छा गया, बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। एनएस चतुर्वेदी 6 पारियों में एलकेके के खिलाफ 237 रन बना चुके हैं, फॉर्म में भी हैं, टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। आर विवेक 2 विकेट 61 रन 3 विकेट 22 रन इस तरीके की परफॉर्मेंस ये देते हैं और आखिरी मिनट में 22 रन 2-3 विकेट उससे पहले 52 रन, पिछली 2 पारियां बहुत अच्छी आई है इनकी एलकेके के खिलाफ, टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। आर साई किशोर 3-3 विकेट 2-2 विकेट लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और एलकेके के खिलाफ इनके नंबर्स देखें तो 3 विकेट 48 रन 2 विकेट 31 रन 3 विकेट बैटिंग भी करते हैं, एलकेके के खिलाफ बॉलिंग भी करते हैं, टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं, इस मैच में टॉप पिक्स हो सकते हैं। गणेश प्रियस्वामी जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है और इनके भी नंबर एलकेके के खिलाफ बहुत अच्छे हैं और ये भी इस मैच में टॉप फैंटेसी पिक हो सकते हैं, टॉप परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। बात की जाए अगर हमारी फैंटेसी टीम की तो मैंने अपनी फैंटेसी टीम माई 11 सर्कल पर बनाई है और आपको भी माई 11 सर्कल पर ही बनानी है, टाटा पंच अपने घर लाना है। मैंने 2 टीम बनाई है, सेफ टीम और रिस्की टीम। सेफ टीम के कैप्टन है विजय शंकर और वाइस कैप्टन है शाही सुदर्शन, वहीं रिस्की टीम के कैप्टन है आर विवेक और वाइस कैप्टन है आर साई किशोर। बाकी फाइनल अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर ही असली प्रेडिक्शन आता है, टॉस मैच सेशन फाइनल टीम बहुत सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर कवर की जाती है, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, तो मुझे लगता है कि आई टीम त्रिपुर की टीम ये मुकाबला जीत सकती है, आईटीटी की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वर्डिक्ट है, सुनो सबकी, करो अपनी, सबकी वीडियो देखो, सबका प्रेडिक्शन सुनो, बट सारा ये ओवरव्यू सुनने के बाद आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है फाइनली वही मैटर करता है, मेक योर ओन कॉल, मेक योर ओन डिसीजन। और हाँ, माय 11 सर्कल को जरूर डाउनलोड कर लेना अगर आप टाटा पंच अपने घर लाना चाहते हो, तो साथ ही साथ लिंक से डाउनलोड करोगे तो 20% का एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा, डाउनलोड कर साइन पहले डिपॉजिट पे 20% आप मिल जाएगा आपको बोनस के रूप में, साथ ही साथ ₹1500 का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा, तो फटाफट डाउनलोड करो माय 11 सर्कल। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और पहली बार इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।